हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज टू पॉइंट टू कम्प्लीट अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऑल्सो हमने इससे पहले की एग्जाम्पल की वीडियो करी है फर्स्ट एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से कर ली है अगर आपसे उनमें से कुछ भी मिक्स हो गया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अब हम बात करते हैं कि हमने जो इस एक्सरसाइज़ में पढ़ना है जैसे कि यहाँ पे लिखे प्रूफ द फॉलोइंग तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो क्या आती हैं जैसे कि ये है साइन कॉज टैन कॉड सिकेंड कॉसिकंड किसी के अंदर भी अगर हम यहाँ पे इन्वर्स लगाते हैं तो वो ख़त्म होकर यहाँ पे आ जाता है x देखो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि यहाँ हमने कैंसिल कर दिया बट हम ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से कैंसिल नहीं करते हैं इसका बहुत डीप मीनिंग होता है वहाँ वहाँ तक हम नहीं जाएंगे ठीक है अभी तो हम सिर्फ अपने आप को ध्यान में लगाने के लिए कि इन्वर्स और ये ख़त्म हो गया और सिर्फ एक्स बच गया और जो एक्स होता है वो इसकी रेंज में लाइक करता है ठीक है इसकी रेंज मिलाई करता है और रेंज क्या होती है ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई है आप स्क्रीन ले सकते हो और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये साइन फंक्शन साइन कॉस ये सारे फंक्शन उनकी ये डोमेन होती है और ये रेंज इनकी ये इनपुट होती है और ये आउटपुट यहाँ से हमें मिलती है और ये क्या होती है इनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है किस तरीके से आई है वो सब हमने पढ़ा हुआ है ठीक है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ हम देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमने इसको क्या करना है इसको सॉल्व करना है है ना इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज भी होते हैं ठीक है एक तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है कि हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा कर तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखते हैं अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बना बता रही हूँ जो आपको आगे के लिए बहुत काम में आएंगे और साथ के साथ आप रिवाइज भी कर सकते हो और इसको स्क्रीन भी लेकर रख सकते हो ठीक है जैसे कि सबसे अच्छा जो फॉर्मूले हैं टू थीटा के फॉर्मूलेज हैं ठीक है थीके? जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ साइन टू थीटा का क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है फिर आता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस्टीटा टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का टू स्क्वायर थीटा माइनस वन एक और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वैसे ये कहाँ से आए हैं फॉर्मूलेस देखो ये इसी फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले आए हैं इसके अंदर अगर मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा इसमें वन माइनस स्क्वायर पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा ठीक है ऐसे ही साइन टू थीटा का एक ये फॉर्मूला था ठीक है एक एक और होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं टन में होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है ऐसे ही कॉस टू थीटा के अंदर भी टैन का फॉर्मूला होता है दैट इज वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ओके तो ये सारे टू थीटा के फॉर्मूलेस थे टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके ऐसे ही थ्री के लिए क्या होते हैं थ्री थीटा के लिए सबसे पहले आता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला दिस इज थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस कॉस नहीं साइन ही आएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा कैसे लर्न करते हैं थर्टी वन यहाँ पे वन पावर है फोर्टी थ्री फोर थ्री पावर और साइन है तो साइन साइन ही आएगा ठीक है तो मैंने तो अपनी टाइम पे जब मैं प्लस टू में थी तो मैंने ऐसे लर्न किया था थर्टी वन फोर्टी थ्री करके ऐसे ही कॉस थ्री थीटा के लिए क्या हो जाता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा इसके लिए उल्टा हो जाएगा फोर्टी थ्री थर्टी वन है ना फोर्टी थ्री थर्टी वन और कॉस है तो कॉस कॉस ही आएगा ओके okay, तो एक और हो गया दो हो गया अब थर्ड सेम टैन थ्री थीटा के लिए फॉर्मूला क्या रहता है थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइड में वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा ओके okay? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर देखते पता चल रहा है कि मुझे तो सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए है ना प्रूव करना है मतलब थ्री साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो यानी कि इसको सॉल्व करके साइन में आना चाहिए तो मैं यहाँ एक्स को क्या पुट करूँगी तो देखो थ्री वन फोर थ्री बन रहा है है ना थ्री वन फोर थ्री और साइन में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए ये वाला लग जाएगा तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे लेट x मान लेंगे साइन थीटा ठीक है तो इनवर्स साइन इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ओके अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको हम ऐसे सेट करके बना के रख देते हैं अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये है आपके पास साइन इनवर्स थ्री x की जगह साइन थीटा फोर साइन क्यूब थीटा ठीक है नाओ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है अभी अभी पढ़ा है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन थ्री थीटा तो साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा साइन साइन इन्वर्स खत्म क्या बच गया थ्री थीटा नाओ थ्री और थीटा के फैम क्या लिया हमने साइन इनवर्स एक्स क्या यही प्रूफ करना था स ये प्रूव करना था बट टू मार्क्स में आ जाए तो इनफ तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में भी बताया था टू मार्क्स में आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है बट अगर ये फोर मार्क्स में आता है ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपको इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं किसी को भी उठा के साइन को साइन इनवर्स से खत्म कर देते और ये आंसर आ जाता है इसकी भी कंडीशन होती है और वो कंडीशन यहाँ से फुलफिल होती है देखो अगर थ्री थीटा जो है वो साइन की रेंज में लाई करता है तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं रेंज क्या है साइन की रे ये रेंज है यानी कि अगर थ्री थीटा की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में आती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा थ्री थीटा ठीक है नहीं तो नहीं है ठीक है तो वो कैसे हमें पता चलेगा वो हमें ऐसे पता चलेगा जैसे कि एक्स बिलोंग करता है माइनस फाइव बाई टू से पाइव सॉरी वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स और देखो सॉलिड ब्रैकेट्स है सॉलिड ब्रैकेट्स का मतलब होता है इक्वल टू ठीक है तो इक्वल टू यहाँ पे है माइनस वन बाय टू और यहाँ पे है one by two. तो मैंने क्या माना था साइन थीटा तो यहाँ साइन है थेके? इधर ले इधर जाओगे आ जाएगा या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने पूरे को साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स साइन खत्म क्या बच गया गया साइन इनवर्स वन बाय टू ठीक है नाउ यू नो दैट कि जब भी नेगेटिव का साइन होता है साइन के अंदर वो बाहर आ जाता है है ना बाहर आ जाता है ऑल्सो साइन के अंदर वन बाई टू किस वैल्यू होती है थर्टी की वैल्यू होती है ठीक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स साइन तो नेगेटिव है वो तो हमने पहली बार ले लिया यहाँ पे आ जाएगा साइन थर्टी दैट इज़ फाइव बाई सिक्स साइन साइन इन्वर्स खत्म क्या आ गया माइनस फाइव बाई सिक्स ऐसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी माइनस फाइव बाय सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थिटा और साइन के अंदर यहाँ पर भी क्या होता है थर्टी ही है तो ये ये भी कितना आ जाएगा फाइव बाय सिक्स आ गया साइन से साइन खत्म हो गया ना ओके okay, चलो हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए थ्री थीटा और यहाँ कितना आ रहा है थीठा तो यानी कि मैं पूरे को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा थ्री थ्री और यहाँ पर भी हो जाएगा थ्री ये हो गया टू ये हो गया टू तो माइनस फाइव बाई टू ग्रेटर टू थ्री थीटा पाई बाय टू यानी कि वी नो दैट थ्री थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है इक्वल टू का साइन है सॉलिड ब्रैकेट आ जाएगी माइनस फाइव बाई टू से पाइव बाय टू के बीच में विच इज द रेंज ऑफ साइन है ना तो यस हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमने खत्म करके थ्री थीटा लेके आए हैं दिस इज द आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी आपका ऐसे ही है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस तो अभी भी आपको क्या चाहिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है फोर्टी थ्री थर्टी वन है ना तो देखो हमें पता ही है कॉस चाहिए तो एक्स को हमें कॉस पुट करना और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉमूला लगेगा बस वही करेंगे जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा एक्स ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू ठीक है तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं इसको पुट कर देते हैं तो so, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा फोर्टी थ्री थर्टी वन ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है वी कैन राइट हेयर कि फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा कॉस थ्री थीटा अब कॉस इनवर्स कॉस ख़त्म क्या आ गया थ्री थीटा थ्री अब थीटा क्या है कॉस इनवर्स एक्स तो ये हमने प्रूव कर दिया बट अगेन वही बात है कि क्या कॉस इनवर्स से कॉस ख़त्म हो सकता है फॉर थ्री थीटा क्या थ्री थीटा जो है उसकी कॉस की रेंज में पड़ रहा है कॉस की रेंज कितनी है ज़ीरो टू पाई तो थ्री थीटा को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या उसकी ये इसके अंदर वैल्यू आती है तो वो कैसे पता चलेगी यूजिंग दिस इससे सॉल्व करेंगे तो अब देखो एक्स अगर इससे बिलोंग करता है सॉलिड ब्रैकेट है तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू तो वन बाई टू लेस देन इक्वल टू तो वन है ना इक्वल टू का साइन तब आता है ना जब सॉलिड ब्रैकेट्स होती है ओके अब एक्स क्या माना है मैंने कॉस् थीटा तो कॉस पुट कर दो यहाँ पे कॉस थीटा अब कॉस इधर इधर चला गया इनवर्स लग जाएगा पूरे पे तो कॉस इनवर्स वन बाय टू यहाँ पे सिर्फ थीटा आ जाएगा एंड कॉस इनवर्स वन अब कॉस के अंदर वन बाय टू किसकी वैल्यू होती है कॉस के अंदर वन बाय टू होती है सिक्सटी की वैल्यू तो यू कैन राइट पाई बाय थ्री है ना तो यू कैन राइट पाई बाय थ्री तो ये हो जाएगा पाई बाय थ्री एंड कॉस के अंदर वन किसकी वैल्यू होती है वन होती है जीरो की तो यहाँ हम लिख देते हैं ज़ीरो ठीक है अगेन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात ये है कि देखो जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन में एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं बट कॉस के अंदर उल्टा होता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ कर रहा होता है उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही होती है, है ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्पेशली जैसे कि यहाँ पे हमें साइन के लिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कॉज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कितनी कितनी ज़बरदस्त आ रही है क्या कि थीटा जो है वो ज़ीरो से छोटा है बट सिक्सटी से बड़ा है ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो ज़ीरो से छोटी और सिक्सटी से बड़ी हो ऐसी नहीं हो सकती ना वैल्यू कोई भी तो इसके लिए जब भी थीटा आ जाएगा ना आपके पास आप इसके साइन को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे रिवर्स करेंगे ऐसे हो जाएगा कि थीटा ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन सिक्सटी ओके क्यों ये हमें स्टार लगा देती हूँ यहाँ पर अगेन स्टार क्यों लगाया है कॉस के लिए और रीज़न भी आपको मैंने बता दिया वाई क्योंकि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है इसलिए हमने क्या किया जैसे कॉस था हमने साइन नहीं लगाया चेंज नहीं किए जैसे आपके पास थीटा आ जाएगा चाहे आप यहाँ पे भी लगा सकते हो जैसे आपके पास थीटा आ जाएगा आप साइन को रिवर्स कर दोगे ठीक है चलो अब चलते हैं आगे अब हमें तो यहाँ पे थ्री थीटा चाहिए था अब थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सबको थ्री थीटा अब थ्री को जीरो से करेंगे तो जीरो ही रहेगा ये खत्म ये हो गया पाई ठीक है ठीक है तो यानी कि थीटा जो है थ्री थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है आपका ठीक है ग्रेटर देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन जो है वो पाई है और क्या है इक्वल टू का भी साइन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि थ्री थीटा बिलोंग करता है जीरो से पाई के बीच में क्या यही थी ना इसकी वैल्यू कॉस की यही आ रहा था ना इसका रेंज तो बिल्कुल यही हमने प्रूव कर दिया ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है अगेज यहाँ पे यहाँ पे टेन इन्वर्ट्स है तो यानी कि इसको हमें टेन के फॉर्म में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ठीक है तो हम अब एक्स को क्या पुट करें देखो <coughs> यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे आ जाता है आपके पास अगर मान लो मैं एक्स को यहाँ पर टेन पुट करती हूँ ठीक है तो वन प्लस टेन स्क्वायर तो सीकेंड आ जाएगा secant माइनस वन अपॉइंट में टेन तो हम उसको साइन cos में लाकर बाद में हम उसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना बन रहा है ना कुछ ऐसा तो कई बार क्या होता है आपके टीचर्स ना इनको देख के ना रूल्स बना देंगे कि वन प्लस एक्स स्क्वार हो तो एक्स को आपने टेन पुट करना है ए स्क्वार प्लस एक्सर तो आपने टेन पुट करना है तो देखो आपने रूल्स को नहीं देखना क्यों क्योंकि कितने ही रूल्स आप बना लोगे तो आपको वो रूल्स कैसे याद कैसे रहेंगे तो आपने मैथ्स में याद नहीं करना आपने मैथ्स में लॉजिक लगाना है ठीक है तो क्रैमिंग के बजाय आप लॉजिक लगा के देखो कि अगर हम यहाँ पर अच्छा टेन के बजाय अगर हम कुछ और पुट करते हैं मान लो साइन पुट करते तो वन प्लस साइन स्क्वायर तो आइडेंटिटी नहीं बनती कॉज तो भी आइडेंटिटी नहीं बनती है सीकेंड सिकेंड में क्या आ जाएगा वन प्लस सिकेंड स्क्वायर तो वो भी क्या बनेगा माइनस में तो अंदर तो माइनस होता ही नहीं है ठीक है कॉड कॉस सिकेंड कुछ नहीं बन रहा है ना तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक्स को हम क्या पुट करेंगे टेन बाद में हम उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ हम ला सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टेंटा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स ये आ जाएगा आपके थीटा की वैल्यू राइट अब हम क्या करेंगे अब हम इसके अंदर पुट करेंगे चलो पुट करते हैं ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा ये चल रहा ठीक है अब तो इसको हमने सॉल्व करना है तो देखो कैसे होगा तो ये वन प्लस टेन स्कोय थीटा ये आपके पास आइडेंटिटी है ठीक है मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें आपको वो वाली भी आइडेंटिटी लिख देती हूँ कौन सी होती है सबसे यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिख देते हैं सबसे पहले कौन सी होती है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसल्स इस टू वन फिर हम क्या करते हैं पूरे को साइंस ही डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा साइंस स्क्वायर बाय साइंस स्क्वायर वन कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा तो वन बाय साइंस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा फिर इस पूरे को हम कॉस से डिवाइड कर देते कॉस स्क्वायर से तो वन साइंस स्क्वायर बाय को स्क्वायर टैन स्क्वायर कॉस्क्वार स्क्वायर वन बाय को स्क्वायर तो ये हमारी तीन आइडेंटिटीज होती हैं जो हम टेंथ में बिलर्न करते हैं ठीक है बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन प्लस माइनस कहाँ पे आएगा तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया एक याद करो पूरे को एक बार साइंस स्क्वायर से डिवाइड कर दो एक बार पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगी आइडेंटिटीज तो अब यहाँ पर देखो वन प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल हो गए सीकेंड स्क्वायर के तो ये हो जाएगा अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल क्या आ गया आपके पास माइनस वन अपॉन ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे को, कोशिश करेंगे इसको साइन कॉस मिलाने की क्योंकि मोस्टली जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करते हैं मोस्टली हमारे आंसर्स कैसे सॉल्व हो जाते हैं साइन कॉस मिलाने से तो हम इसको साइन कॉस मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा तो देखो सिकेंड को लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉस् थीटा यहाँ लिख सकते हैं हम थीटा अपॉन थीटा ठीक है नेक्स्ट में देखते हैं अब हाँ अब हम क्या करेंगे टैन इनवर्स ऊपर एल आ जाएगा थीटा का वन माइनस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा अपॉन थीटा ठीक है अब कॉस कॉस खत्म क्या आ गया आपके पास वन माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है अब यहाँ पे ना मैं एक स्टार लगा देती हूँ क्योंकि 90% परसेंट क्वेश्चन जो है ना आपके आप ऐसे ले आओगे यहां तक ठीक है कुछ ना कुछ सॉल्व करके पुट करके आप साइन कॉस में ले आओगे क्योंकि इतना काम तो हमने टेंथ में भी किया हुआ है अब जब जैसे आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाता है देन आपने हेल्प लेनी है आइडेंटिटीज की ठीक है हेल्प लेनी है किसकी आइडेंटिटीज की देखो कैसे वन माइनस थीटा पहले तो देखो हमें टेन चाहिए यानी कि हमें ऊपर साइन चाहिए था नीचे कॉस चाहिए था है ना साइन ऊपर चाहिए कॉस नीचे चाहिए तो देखो कॉस के अंदर साइन का कौन सा फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है? है ना कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर वन माइनस है तो ये इधर ले जाऊँ और ये इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा ये आ जाएगा हमारे पास है ना ये मैं इधर ले आई ये मैं इधर ले आई बन जाएगा ये ओके तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे साथ के साथ लिख देंगे हम जैसे कि हमें पता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे को तो वन माइनस कॉस का कर चाहिए तो ये इधर ले आते हैं इधर ले आते हैं ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू वन माइनस कॉस टू थीटा अब मुझे तो थीटा चाहिए था यानी कि मेरे को अब क्या करना है पूरे एंगल को डिवाइड करना है तो यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू खत्म तो मेरे को मिल गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू मेरे को मिल गया वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ठीक है तो ऊपर साइन आ जाएगा अब नीचे साइन थीटा है अब साइन थीटा तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है किस फॉर्म में पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमें यही पता है हमें टू साइन थीटा कॉस्थीटा है ना टू साइं थीटा कॉस्थीटा अब यहाँ पर थीटा है तो यानी कि यहाँ पे भी मैं सभी एंगल्स को क्या कर दूंगी हाफ ऑफ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा टू साइन थीटा कॉस्थीटा अब मैं ये फॉर्मूले दोनों के दोनों इसमें मैं पुट कर रही हूँ तो देखो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस् थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू टू से टू कैंसिल एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल क्या बच गया ऊपर बच गया एक साइन थीटा बाय टू नीचे एक बच गया कॉस थीटा बाई टू ना वी नो दैट साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है इसी के लिए तो हम ताम झाम कर रहे थे इतना तो ये हो गया टैन थीटा बाय टू अब हमें पता है कि हम इस दूसरे को क्या मान लेते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया थीटा बाय टू आ गया ठीक है और थीटा हमने क्या माना था क्या था हमारे पास टैन इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स दिस इज योर आंसर वेट अब अगेन हम यहाँ पर थीटा से ये tan इनवर्स से टैन अपने आप ही कैंसिल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि अगर हमारा थीटा वाई टू टैन की रेंज में एंटर कर रहा है है ना tan की रेंज में एंटर करता है तभी हम बोलते हैं कि हाँ भाई हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और आगे हम लेकर जा सकते हैं तो यहाँ पर टैन tan इनवर्स की रेंज क्या है ये है आपके पास राइट right? तो देखते हैं कि क्या ये थीटा बाय टू इसके अंदर लाइ करता है उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे पास स्पेस नहीं है बट आपने क्या करना है इसके साथ ही आपने आंसर में करना है मैं अलग से पेज पर कर रही हूँ ना आपने आंसर के साथ ही करना है और ये करके दिखाना है ये तो मार्क्स कट हो सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे कि सिंस हमें जो ये का कैंसिल कब हो सकते हैं जब हमें यहाँ पे कंडीशन दी होती है और यहाँ कंडीशन हमें एक्स ही क्या दे रखी है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है और एक्स हमने माना क्या था एक्स था हमारे पास टेन थीटा था तो यानी कि टेन थीटा जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए है ना और, और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं थीटा क्या था हमारा टेन इनवर्स एक्स है ठीक है एस थीटा इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स एक्स है यानी कि हमारा टेन इन्वर्स एक्स जो है वो जीरो के कुल नहीं होना चाहिए है, है यहां ना यहाँ से हमारे पास थीटा मिल रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग करता है किससे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक बट एक्सेप्ट ज़ीरो ज़ीरो नहीं आना चाहिए थीटा हमारे ज़ीरो नहीं हो सकता ना टेन जीरो पे ज़ीरो आता है ना वो ठीक है थीटा नॉट बी ज़ीरो टेन जीरो जो होता है तो उसी की वैल्यू जीरो आती है तो यानी कि थीटा हमारा जीरो नहीं हो सकता तो जो हमारा थिटा है वो बिलोंग करता है पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ठीक है ये उसकी रेंज है ओके बट जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे थीटा बाय टू है थीटा बाय टू कर दो तो सबको टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस फाइव बाय फोर बाय फोर एक्सेप्ट जीरो बाय टू अगेन जीरो ठीक है तो ये आपकी क्या बन जाएगी एक्सेप्शन बन जाएगा कि भाई थीटा जो है आपका सभी के लिए ठीक है थीटा बाई टू सभी के लिए ठीक है रेंज में आ रहा है बट उसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए कोई बात नहीं हमें तो पता ही है टेन इनवर्स की ये रेंज होती है तो माइनस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव इसके अंदर है ठीक है जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं जीरो हम हटा देते हैं ओके तो ये हमने यहाँ पे बता दिया तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो यहाँ पे टेन इनवर्स है यानी कि डायरेक्ट हमें हिंट दे रखा है इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए टेन के अंदर आना चाहिए है ना तो हमने अभी अभी करा है वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला निकाला था हमारे पास फॉर्मलेज है ना इनके डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाई है हमने यहाँ पर देखो है ना <coughs> यहाँ से हम निकाल सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं राइट यहाँ से हम वन प्लस का निकाल सकते हैं तो इसी की हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये फॉर्मूलाज उसी से हमें डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे है ना तो देखो वी नो दैट कॉस टू थीटा क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा अगेन टू थीटा नहीं चाहिए सिंपल चाहिए तो हम डिवाइड में टू कर देंगे ठीक है तो ये खत्म हो टू साइन स्क्वायर अब देखो यहाँ पर थीटा है यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स लिख देते हैं तो वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली तो एक तो हम ये पुट करेंगे वैल्यू ठीक है दूसरा हमें पता है कि कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ठीक है इधर ले आते हैं इधर ले आएंगे तो वन प्लस यहाँ पर हमें आधा चाहिए तो हाफ इधर थीटा कर देंगे हाफ इधर ये खत्म और थीटा की जगह भी हमें एक्स चाहिए तो एक्स लिख दो वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू तो हमें इसकी भी हमें वैल्यू मिल गई ठीक है तो वन माइनस कॉस एक्स की भी वैल्यू मिल गई, वन प्लस कॉस एक्स की भी वैल्यू मिल गई, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली देखो ऊपर साइन आ रहा है नीचे कॉस आ रहा है तो साइन बाय कॉस वैसे भी टैन होता है है ना तो चलो पुट करते हैं ये हो जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और यहाँ क्या लिखेंगे टू कॉस स्क्वार एक्स बाय टू ठीक है तो एक तो क्या होगा सबसे पहली बात हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट टू स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बच गया साइन एक्स बाय टू यहाँ पे अंडर रूट और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस एक्स बाय टू ठीक है अब ये कैंसिल साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन तो हम लिखेंगे टेन एक्स बाई टू अब tan से टेन इनवर्स हम क्या बोलते हैं खत्म हो जाता है और क्या बचता है एक्स बाई टू आपका आंसर आ जाता है बट ये खत्म तभी होता है अगर एक्स बाई टू आपका टेन की रेंज में आएगा है ना तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे इसके पास जाएंगे इस कंडीशन के पास जाएंगे तो हम लिखेंगे कि हमें ये दे रखा है हमें तो x बाई टू चाहिए था तो डिवाइड में टू कर दो तो डिवाइड माई टू, में टू, में, टू में टू तो ये हो गया जीरो से x बाई टू बड़ा है बट लेस देन 90 है जीरो और पाई बाय टू ये आता है ना इसी के अंदर आता है ना अलग से तो नहीं आ रहा इसी के अंदर आ रहा है जीरो भी इसी में पाई बाय टू भी पर तो ये इसके साथ ये बिलोंग कर रहे हैं तो हमने आंसर दे दिया राइट तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो बाहर फिर से टैन इनवर्स है यानी कि अंदर को सॉल्व करके भी क्या आना चाहिए टैन आना चाहिए है ना तो देखो जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की देन आप देखते ही समझ जाओगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है सेम बात मैं टेंथ में भी बोला करती थी जब हम टेंथ में हम की आइडेंटिटी सॉल्व करते थे है ना तो हम क्या कहते थे कि भाई जब जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमें उस टाइम पे क्या करना है है ना स्टार्ट ही कैसे करना है तो इसी तरीके से जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने स्टार्टिंग में ही क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बाहर टैन इनवर्स है इसको सॉल्व करके टैन बनना चाहिए तो ये पूरा टैन कब बन सकता है अगर मैं इसमें से पूरे को कॉस एक्स से डिवाइड कर दूँ है ना तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दू या दूसरा हम कह सकते हैं कॉस एक्स कॉमन ले लें एक ही बात है है ना अगर पूरे को हम कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं तो कॉस बाय ऐसे कर लो या अगर में कॉमन लेती हूँ तो कॉमन भी लूंगी तो वो भी तो यही बचेगा ना वन माइनस तो आप दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो मेन क्या है अंदर टेन बनना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में ओके तो चलो हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों को वो ज्यादा ईजी लगता है ठीक है तो यहाँ पे लेंगे हम ऊपर कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा वन माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइड में नीचे भी कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा वन प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स ठीक है ओके ना कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल ये आ गया आपका टैन इनवर्स वन माइनस साइन बाय कॉस टैन एक्स वन प्लस साइन बाय कॉस टैन एक्स ओके okay. अभी भी तो हमारे पास एग्जैक्ट ऐसा नहीं आना कि हम टेन से टेन कैंसिल कर दें नहीं आना जब कभी भी आपके पास ऐसी फॉर्म आती है हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था कि हम उसको क्या लिख देते हैं फाइ बाई फोर से लिखते हैं बट वो आया कैसे एक बार याद कर लो ध्यान से देख लो कि कैसे आया हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ टेन ए प्लस टेन बी क्या फॉर्मूला होता है ये हमारे पास सॉरी uh, ये नहीं होता टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दैट इज टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी और सेम चीज उल्टी माइनस के लिए होती है कि टेन ए माइनस बी जो होता है वो आपके पास उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे ए माइनस बी होता है यहाँ प्लस होता है ठीक है तो ये हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी ठीक है ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ओके अब अगर मैं यहाँ पर टैन ए की जगह पे मैं 45 फाइव डाल देती हूँ ठीक है लेट ए 45 फाइव डिग्री है 45 फाइव मतलब पाई बाय फोर ठीक है तो क्या होगा इसमें पाई बाय फोर पुट करो टेन और बी को पुट कर दो एक्स ठीक है तो क्या होगा टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर इज वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन फोर्टी फाइव इज अगेन वन और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स तो देखो सेम फॉर्मूला बन गया तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं सेम अगर ये उल्टा हो जाए यहाँ पर प्लस आ जाए यहाँ पर माइनस आ जाए देन यहाँ पर लगेगा टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स का फॉर्मूला ठीक है तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं हम लिख देंगे इनवर्स आ जाएगा ओके okay? अब यहाँ ऐसे ही आते ही हम क्या मानते हैं टेन इनवर्स से टेन खत्म हो गया क्या बच गया फाइव बाई फोर माइनस एक्स इज अगेन इट इज इनकम्प्लीट कैंसिल कैसे हुआ है क्यों हुआ है उसके लिए हमारे पास कंडीशन हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल टेन इनवर्स के रेंज में पड़ रहा है तो कैसे करेंगे तो देखो सिंस ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा दैट इज माइनस पाई बाय फोर से ग्रेटर है एक्स एंड थ्री पाइव बाय फोर से छोटा है ठीक है अब हमारे पास ये एंगल है पूरा का पूरा ये एंगल है इस पूरे एंगल में पहले क्या है माइनस तो पहले अगर मैं इस पे पूरे को माइनस में लाती हूँ तो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री पाए बाय फोर अब यहाँ एक चीज़ देखो हम अगर लिखते हैं टू जो है वो छोटा है फोर से है ना बट अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके आती हूँ तो ये साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ना टू छोटा है फोर से बट माइनस टू बड़ा है ना माइनस फोर से तो यहाँ पे जैसे ही हमने माइनस लेकर आए तो ये साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे हो गए चेंज साइन अब माइनस तो ले आए अब हमने पाई बाय फोर प्लस करना है तो पाई बाय फोर प्लस कर दो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे फाइव बाई फोर माइनस थ्री पाई बाय फोर ये हो जाएगा टू पाई बाय फोर और ये हो जाएगा माइनस टू पाई बाय फोर ये कैंसिल ये कैंसिल दिस इज पाई बाय टू कि ये जो एंगल है वो माइनस फाइव बाई टू से बड़ा है बट पाई बाय टू से छोटा है तो वी कैन राइट पाई बाय फोर माइनस एक्स जो है बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू से विच इज द रेंज ऑफ टेन एक्स है ना टेन टेन इनवर्स है ना इसके रेंज में तो यस yes, ये हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है तभी हमने इसको खत्म करके ये आंसर लेके आए हैं ओके okay. ये था क्वेश्चन फिफ्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन सिक्स तो अब करते हैं क्वेश्चन सिक्स टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमें दे रखा है मॉड एक्स इज लेस देन ए ठीक है तो अगेन हमें यहाँ पर क्रैम नहीं करना है कि हाँ भाई एक्स को हम क्या पुट करें कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात यह है कि सॉल्व करके अंदर की तरफ क्या आना चाहिए टेन आना चाहिए ठीक है अगर मैं यहाँ पर टैन पुट कर देती हूँ एक्स की जगह पर ठीक है टैन पुट कर देती हूँ नीचे क्या बनेगा ऊपर तो टैन बन जाएगा बट नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं बन रहा है ना नहीं बन रहा ओके अब और क्या हम सोच सकते हैं देखो अगर मैं नीचे secant वाली आइडेंटिटी भी लगाती हूँ ठीक है मान लो सिकेंड वाली लगाते हैं तो हमें पता है हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी हैं उसमें क्या है आइडेंटिटीज में प्लस है है ना वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉ सेकेंड है टैन स्क्वायर प्लस वन सेकेंड है तो यहाँ तो प्लस नहीं है है ना नहीं है प्लस तो माइनस है तो माइनस हम इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं राइट कि हम वन माइनस कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो देखो अगर टैन हमें चाहिए टैन ऐसे भी तो बन सकता है ऊपर साइन और नीचे कॉस करके है ना अगर इस आइडेंटिटी का यूज करना ही है तो तो देखो क्या होगा ऊपर साइन नीचे अगर हम ऊपर को स्कौर स्कौर आ है कुछ कुछ है ना बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम बस ए की प्रॉब्लम आ रही है ए नहीं आना चाहिए है ना? तो अगर ए नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे ए साइन थीटा ठीक है अब इससे क्या होगा पहले तो एक्स से इसके नीचे ए चला जाएगा ये हो जाएगा साइन थेटा अब साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो गया थेटा ठीक है अब इसका फायदा क्या है फायदा ये है कि जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अगर ए साइन थेटा हम यहां पुट करते तो ए कॉमन आ जाएगा है ना तो चलो पुट कर दो तो x की जगह पे हम पुट करेंगे a साइन थीटा नीचे आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ अगेन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ टेन इनवर्स यहाँ है ए साइन थीटा नीचे से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेती हूँ और बाहर लेकर आती हूँ रूट के तो ए बन जाएगा ठीक है अंदर क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए से ए कैंसल यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स ऊपर साइन थीटा नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है अंडर रूट से रूट अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या बचा आपके पास टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टैन थीटा अब हम क्या कह सकते हैं टैन इनवर्स से टैन खत्म क्या आंसर आ गया आपका थीटा और थीटा था क्या थीटा था आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो ये आ गया आपका आंसर ठीक है अगेन वही बात आती है कि हम टेन इनवर्स से टेन तभी कैंसिल कर सकते हैं इफ थीटा लाइज इन द रेंज ऑफ टेन इनवर्स है ना तो टेन की रेंज क्या है टेन इनवर्स की माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू है ठीक है तो ये कैसे आएगा उसके लिए हमें यहाँ पर दे रखा है ये है ना ये दे रखा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम लिखेंगे जब भी आपके पास मॉड फंक्शन आता है उसका मतलब ये होता है कि सिंस मोड एक्स इज लेस देन ए इसका मतलब होता है कि एक तो प्लस एक्स जो है वो लेस देन ए है और एक माइनस एक्स है वो लेस देन ए है ठीक है इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब मोड आता है क्योंकि हमें पता है मोड हटाएंगे तो एक तो प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा अगर मैं माइनस से इधर ले जाती हूँ तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं है ना तो अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखो कि x इज ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए कर दिया हमने ठीक है अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या लिखा था हमने a साइन थीटा a साइन थीटा अब तीनों तरफ a है कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा माइनस वन साइन थीटा एंड वन अब साइन है साइन इनवर्स कर देंगे हर जगह पे साइन इनवर्स माइनस वन थीटा साइन इनवर्स वन अब ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है और साइन के अंदर किसकी वन की वैल्यू होती है पाई बाय टू की यहाँ पे भी साइन के अंदर किसकी वैल्यू वन होती है पाई बाय टू की ठीक है तो हमने देखा कि जो थीटा है वो हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ठीक है थेके? तो उसकी रेंज में आ रहा है टेन की रेंज में है ना देखा टेन की रेंज में आ रहा है तो यस इसके साथ अगर ये बिलोंग कर रहा है तो यस हमारा ये आंसर है तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वार बाकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है तो देखो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से कुछ ए कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा ऊपर से ए कॉमन नहीं आ रहा नीचे से आ रहा है बट ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है नीचे से एक्स कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना तो हम यहाँ पर और क्या सॉल्व कर सकते हैं एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं तो देखो हम यहाँ पे अगर देखते हैं इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी लग नहीं रहा कि इनका जैसा कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना साइन जैसा साइन स्क्वायर जैसा क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो है ही नहीं अगर ये आ रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर तो ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं है ना नहीं कर रहे हैं और वैसे भी हमें क्या चाहिए हमें इनवर्स है तो यहाँ पे हमें टैन की फॉर्म चाहिए तो टैन के फॉर्मूला तो नहीं बन रहा यहाँ देखते हैं ये देखो ये टैन का फॉर्मूला यहाँ पर ये यह कुछ लग रहा है ऐसा ऐसा क्या लग रहा है थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीठा वन माइनस थ्री टैन स्क्यूब थीठा लग रहा है ऐसा ऐसा बट प्रॉब्लम यहाँ पर ए क्रिएट कर रहा है है ना तो जब ए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम लेट भी वही कर लेते हैं कि लेट एक्स यहाँ से तो पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू में टेन थीटा पुट करनी है अगर मैं ए टेन थीटा पुट कर लेती हूँ तो ए सब में से कॉमन आ जाएगा है ना तो यहां से हमें स्टार्टिंग मिल गई तो हम क्या करेंगे लेट अब ये पहले नीचे जाएगा टेन जाएगा थीटा अब टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स ये आ गया थीटा अब वैल्यूज पुट कर देते हैं क्या आएगा आपके पास tan इनवर्स थ्री ए स्क्वायर और x की जगह पर a tan थीटा माइनस यहाँ पे a क्यूब tan क्यूब थीटा यहाँ पर a क्यूब माइनस थ्री ए और यहाँ आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ठीक है अब यहाँ आ रहा है tan इनवर्स अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ए ए क्यूब आ गया ए क्यूब कॉमन अंदर क्या बच गया थ्री टेन थीटा माइनस ए क्यूब तो कॉमन आ गया है टेन क्यूब ठीक है डिवाइड में यहाँ से भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है ये भी और ए स्क्वायर ए क्यूब कॉमन आ रहा है नीचे क्या बचेगा वन माइनस थ्री ए तो कॉमन आ चुके हैं टेन स्कवायर थीटा अब ए क्यूब से एक क्यूब कैंसिल अभी पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका ये बन गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब वन माइनस थ्री टेन स्कोर थीटा किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा अब टेन इनवर्स टेन खत्म क्या बच गया थ्री थीटा और हमने ये थीटा क्या माना है ये माना है तो ये आ गया आपका थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए ठीक है अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल हो सकता है इफ़ थ्री थीटा लाइज इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स तो वो हम इसके इंफॉर्मेशन से चेक कर लेते हैं ठीक है ही ले लेते हैं अब यहाँ पर x x हमने क्या लेट करा था a tan थीटा तो शुरू करते हैं माइनस ए अंडर रूट एक्स की जगह पुट करेंगे हम a tan थीटा यहाँ a अपॉन अंडर रोड थ्री ए ए कैंसिल ठीक है क्या आएगा माइनस वन बाय अंडर रोट थ्री टेन थीटा वन अपॉन अंडर रूट थ्री अब टेन थीटा इधर भी जाएगा इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन बायर रूट थ्री थीटा टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट थ्री ठीक है अभी नेगेटिव जो होता है वो बाहर आ जाता है टेन इनवर्स के अंदर और टेन के अंदर वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है थर्टी um, की है ना दैट इज़ फाइव बाई सिक्स की और ये हो गया थीटा सिमिलरली इसके अंदर भी वन बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है थर्टी दैट इज फाइव बाई सिक्स की हमारा क्या आ रहा है थ्री थीटा तो थ्री से मल्टीप्लाई करना है थ्री 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 इसको से कैंसिल किया टू इसको से कैंसिल किया टू तो ये आ गया माइनस फाइव बाई टू थ्री थीटा फाइव बाई टू दैट मीन्स थ्री थीटा आपका बिलोंग कर रहा है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में तभी ये क्या हुआ है कैंसिल होके ये आंसर आया है ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर सो क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द द वैल्यूज ऑफ ऑफ ईच फॉलोइंग तो अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो क्या होता है हम पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं अंदर से स्टार्ट होते हैं उसको सॉल्व करते करते बाहर तक लेकर जाते हैं है ना तो बस इसी को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारा हमने इसको सॉल्व करना है है ना इसको सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे स है यानी कि हमें साइन के अंदर वैल्यू देखनी है किसकी होती है किसके अंदर होती है साइन में वन बाई टू वैल्यू थर्टी की दैट इज की है ना और साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है देखो की रेंज माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में है. तो साइन थर्टी इसके अंदर आता है है ना तो साइन थर्टी आता है तो साइन से साइन कैंसिल होके वो आ सकता है तो बस इसको हम लिखना कैसे तो देखो हम लिखेंगे टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स और वन बाय टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन थर्टी दैट इज फाइव बाई सो दैट साइन इनवर्स से साइन कैंसल हो सकता है और फाइव बाई सिक्स हम ला सकते हैं बट हमें उसको यहाँ पे मैंशन करना पड़ेगा हम यहाँ पे लिखेंगे विनो की फाइव बाय सिक्स जो है वो बिलोंग करता है इसकी रेंज से माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में बिलोंग करता है तभी ये कैंसिल हो सकता है ठीक है नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स से साइन खत्म क्या आ गया पाई बाय सिक्स अभी ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा थ्री तो ये आ गया टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री ठीक है नाउ वी नो दैट कॉस पाई बाय थ्री यानी कि कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो वन बाई टू पुट कर देते हैं यहाँ तो कोई इनवर्स का सीन ही नहीं है है ना तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू और कॉस सिक्सटी की जगह पे आ जाएगा वन बाय टू कैंसिल ठीक है तो ये हो गया टेन इनवर्स वन अब यहाँ पे हमें टेन चाहिए तो टेन के अंदर वन किसकी वैल्यू होती है फोर्टी फाइव की तो हम यहाँ लिख देंगे टेन फोर्टी फाइव दैट इज फाइव बाई फोर ठीक है अभी कैंसिल तभी हो सकते हैं कि अगर बिलोंग करता है माइनस yes, आता है ना माइनस नाइनटी से नाइनटी के बीच में तो कैंसिल हो कि आंसर कितना आ गया आपका पाई बाय फोर वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ तो अब करते हैं क्वेश्चन नाइन्थ टेन वन बाई टू साइन वर्स टू एक्स 1 वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस वर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड मॉड एक्स जो है वो लेस than वन है वाई ग्रेटर देन जीरो है एक्स वाई लेस दैन वन है तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है ठीक है कैसे अलग है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे राइट right? तो कैसे आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर साइन है ठीक है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है हमें यहाँ पर चाहिए अंदर सॉल्व करके हमें चाहिए टैन क्योंकि बाहर क्या है टैन है तो अंदर सॉल्व करके हमें टैन इनवर्स चाहिए है ना राइट मेन बात तो यही है ना कि अगर यहाँ पर टैन है तो अंदर टैन इन्वर्स आना चाहिए तो क्या हमारे पास साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये तो साइन टू थिट्टा का फॉर्मूला हो गया है ना तो क्या साइन इन्वर्स कॉस इनवर्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनको सॉल्व करके हमारे पास टैन इन्वर्स आता हो Yes होती हैं वो कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं प्लीज़ राइट डाउन तो मैं यहीं पर इसी पेज पे ही लिख रही हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सको तो इसकी जो आइडेंटिटी है सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी है इनवर्स के लिए कि टू tan इनवर्स एक्स ये होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेम टू tan इनवर्स एक्स कॉस के लिए क्या होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो सेम आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर टेन के लिए भी होती है ठीक है तो ये हो जाता है टू टैन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है साइन में प्लस आ जाता है और यहाँ पर माइनस आता है ठीक है और ये जो होती है ये होती है एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन के लिए होता है ठीक है एंड सेम जो होती हैं ऐसे ही आगे मैं टेन की बात चली है तो टेन के लिए मैं और भी बता देती हूँ अगर दो आ जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो वो होता है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई अगर एक्स वाई जो है वो लेस देन वन है एंड फिफ्थ वन इज़ अगर ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो यहाँ आ जाता है टेन इनवर्स एक्स बिल्कुल साइन चेंज हो जाते हैं माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई और यहाँ जो एक्स वाई होता है वो ग्रेटर देन होता है माइनस वन के ठीक है तो ये फाइव इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी तो आप इनका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस अब हम इन्हीं का ही यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र और जो x है वो जो मोड x है वो लेस देन वन है तो पूरी यही है आपके पास पूरा का पूरा यही फॉर्मूला दे रखा है है ना यही कंडीशन है यही यही है तो इसके जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं टू टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं

कि हम यूज़ कौन से कर रहे हैं आइडेंटिटीज सेंस हम यूज कर रहे हैं कि टू टैन इनवर्स एक्स वो किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और जहाँ एक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू वन होता है ठीक है और दूसरी आइडेंटिटीज क्या है टू टैन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर फॉर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टैन वन बाई टू इसकी जगह पे हम लिखेंगे टू टैन इनवर्स एक्स प्लस टू टैन इनवर्स वाई टू कॉमन ले लेंगे ठीक है बाहर आ जाएगा टू अंदर क्या बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई यहाँ टू से टू कैंसल ठीक है अब देखो यहाँ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई आया अब इसके लिए भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं बट ये लगेगी ये लगेगी देखो यहाँ पे क्या है लेस देन वन लेस देन वन और दोनों में प्लस भी है तो फोर्थ आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग टन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वो किसकी इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई फॉर एक्स वाई लेस देन वन के लिए तो हम यहाँ पर वो यूज़ कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा टेन और इसकी जगह पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ठीक है अगेन हम क्या बोलते हैं कि ये किसके लिए यूज किया हमने एक्स वाई तो अगेन ये हमने किसके लिए यूज किया फॉर एक्स वाई लेस देन वन के लिए यूज किया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टैन टैन इनवर्स क्या हो गया एकदम से खत्म हो गया आपस में और हमारा आंसर क्या आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वाई तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम आप तो हमेशा बोलते आए हो कि मैम टैन से tanverse तभी ख़त्म हो सकता है अगर ये जो है वो रेंज में पड़ता होगा है ना रेंज में पड़ता होगा तो देखो यहाँ उन्होंने क्या बोला है यहाँ उन्होंने बोला है कि जो x है ना मॉड x है वो लेस देन वन है y जो है वो ग्रेटर देन वन है x y जो है वो लेस देन वन है ठीक है यानी कि हमें इनकी इनपुट्स पता है एंड यहाँ देखिए जब हम tan की बात करते हैं तो डोमेन में इनपुट्स देखते हैं डोमेन में इनपुट्स क्या है रियल नंबर है तो जब हम डोमेन की इनपुट्स पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आउटपुट तो हमें रेंज में ही मिलेगी ना ठीक है तो हमने इस पूरे का क्या आंसर आता है वो इसके अंदर बिलोंग करता नहीं करता है? वो तो हमें आइडिया नहीं लग रहा है लेकिन इतना डेफिनेटली पता है कि एक्स जो पुट कर रहे हैं वाई जो पुट कर रहे हैं ये उनका जो प्रोडक्ट पुट कर रहे हैं वो सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली मैंशन करेंगे कि एज एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स वाई ये बिलोंग करता है रियल नंबर से क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव कोई बात नहीं जो मर्जी हो, हो है तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो यस ये, इस, ये इसका आंसर है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ तो ये सबसे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को तो अभी तक मैं आपको सारे बताती आई हूँ कि आपको लगता था कि मैम एन में तो हमें कंडीशन नहीं बोली होती है हमने इनवर्स से नॉर्मल कैंसिल किया जो एंगल बचा वो हम आंसर लिख देते थे आपने पता नहीं हमें एक्स्ट्रा क्यों कराया तो अब इन क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मैंने आपको एक्स्ट्रा क्यों कराया क्योंकि आप खुद सोचो अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर अगर आपको नॉलेज नहीं होगी आप सिंपल वैसे ही चलते आ रहे हो कि साइन देखा साइन साइनवर्स देखा ख़त्म ही आपका आंसर आ गया तो आपको ये आंस क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम मैंने अभी आपको बताया था क्या कि साइन साइन इनवर्स तभी कैंसिल हो सकता है अगर ये जो एंगल है वो उसकी रेंज में पड़ता है है ना तो टू पाई बाय थ्री कौन सा एंगल होता है टू मल्टीप्लाई वन एटी डिवाइड बाई थ्री दैट इज सिक्सटी वे हो गया वन ट्वेंटी तो क्या वन ट्वेंटी साइन की रेंज में पड़ता है साइन इनवर्स की साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है ये देखो ये होते हैं ना इनवर्स साइनवर्स टू, टू। यानी कि माइनस नाइनटी से नाइनटी और वन ट्वेंटी इसकी रेंज में नहीं पड़ता तो ये मतलब कि हम इसको इससे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम उसको उसकी रेंज में लाने की कोशिश करेंगे कैसे रेंज में लाते हैं तो फटाफट से एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं हमें पता होता है कि हमारे पास ऐसे फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं फर्स्ट uh, ये होता है आपका यहाँ से एंगल होता है जीरो टू पाई, ये होता है पाई बाई टू दिस इज पाई दिस इज थ्री पाई बाई टू दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है इसके अंदर क्या लिखते हैं हम ऑल स्टूडेंट्स गो टू क्लास है ना ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव दैट इज कॉसिकेंट, एंड दिस इज टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट आर पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर नेगेटिव यहाँ पर कॉस एंड सिकेंड आर पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर नेगेटिव यही होता है ठीक है ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक तो जीरो टू पाई एक तो ये वाला हो या पाई वाला हो इसके अंदर फंक्शन चेंज नहीं होता नो फंक्शन चेंज नो फंक्शन चेंज ठीक है एंड जब से ही हम पाए बाय टू और थ्री पाए बाय टू लगाते हैं तो वहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है ठीक है जैसे कि वही मैं आपके एक बार एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे कि एग्जाम्पल साइन पाई पाई माइनस थीटा ठीक है तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा यहाँ पड़ेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो इसलिए क्या आ गया साइन पॉजिटिव का थीटा आ गया ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर मैं लिखती साइन प्लस थीटा ठीक है तो क्या होता एक तो uh, पाई है तो पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा ठीक है बट प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए थर्ड मतलब कि टैन और कोट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ठीक है ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा 90 है तो फंक्शन चेंज होता, तो होता है तो साइन चेंज होता है कॉस में और 90 माइनस थीटा फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वारेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं ऐसे ही अगर मैं साइन नाइन्टी प्लस थीटा करती हूँ तो प्लस थीटा का मतलब क्या होता है ये आ जाएगा सेकेंड में ठीक है और सेकेंड के लिए भी क्या होगा यहाँ पर एक तो हो जाएगा कॉस थीटा ठीक है एंड यस फंक्शन चेंज हुआ है क्योंकि क्या है नाइन्टी है ऐसे थ्री थ्री बाई टू के लिए भी फंक्शन क्या होता है चेंज होता है तो अब अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि मैम यहाँ आपने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया क्योंकि यहाँ तो कॉस है है ना बट हम साइन इसके चेक करते हैं देखो ये है ना और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पड़ रहा है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है अगर यहाँ पे कॉस होता ना कॉज नाइन्टी प्लस थीटा तो एक तो नाइन्टी है फंक्शन चेंज हो जाता साइन के लिए ठीक है और कॉस है और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आता है क्योंकि इस कॉज सेकेंड क्वारेंट में नेगेटिव होता है ठीक है तो यहाँ का हम देख के यहाँ पर साइन लगाते हैं ये वाले देख के हम साइन नहीं लगाते आई होप ये आपको फटाफट से रिवाइज हो गया होगा ठीक है तो अब देखो अब हमें क्या करना है अब हमने इसको चेंज करके लेकर आना है हमने इसको इसकी रेंज में लाना है तो कैसे ला सकते हैं तो देखो सबसे पहली बात तो टू पाई बाय थ्री विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ठीक है तो वन ट्वेंटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ वन एट्टी माइनस सिक्सटी लिख सकती हूँ वन एट्टी क्या है पाई है सिक्सटी क्या है पाई बाय थ्री है है ना तो मैं क्या इसको ऐसे इस, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ लिख सकते हैं तो लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो कि टू पाई बाय थ्री कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं ना hmm. तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री ठीक है नाउ वी नो दैट साइन वन एट्टी माइनस थीटा ठीक है साइन वन एट्टी माइनस थीटा इज साइन थीटा राइट क्यों एक तो पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा और हेयर थीटा इज पाई बाय थ्री तो आई कैन राइट साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री अब देखो नाउ पाई बाय थ्री भाई भाई थ्री जो है वो बिलोंग करती है इसकी रेंज से दैट इज माइनस फाइव बाई टू से by 2 के बीच में लाई करती है यही होते हैं ना साइन इनवर्स की रेंज है ना यही है तो यानी कि सिक्सटी डिग्री आता है ना माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में तो अब मैं इसको इससे कैंसिल करके मैं सीधा कैंसिल करते नहीं है बस बताते हैं अपने लिए होता है ये खत्म हो गया और ये हो गया पाई बाय थ्री जो हो गया वो इसका आंसर आ गया तो देखा कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के छोटे छोटे रूल्स जिससे आप एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं राइट right? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि किस से बिलोंग करता है तो हमने इसको काट के ये आपका आंसर आ गया सेम अब इसके अंदर भी हम यही करेंगे तो अब देखो क्या डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर क्या होता है थ्री मल्टीप्लाई वन एट्टी बाय फोर कैलकुलेट करोगे ये आता है वन थर्टी फाइव ठीक है वन थर्टी फाइव आता है तो अब टेन की वो देखो रेंज tan की रेंज ये है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू माइनस नाइन्टी से नाइनटी है तो अब नाइन्टी माइनस नाइनटी से नाइन्टी के बीच में वन थर्टी फाइव नहीं आ रहा ना नहीं आ रहा तो अब उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा तो देखो कहाँ आ रहा है वन थर्टी फाइव तो देखो ये वन एट्टी हो गया वन एट्टी हो गया ये हो गया वन थर्टी फाइव यहाँ पे आ रहा है ना है वन थर्टी फाइव यहाँ आ रहा है तब हम क्या करेंगे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं पहली बात तो हमें यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं करना है ना फंक्शन चेंज नहीं करना यानी कि हमें वन एट्टी पर ही लिखना पड़ेगा है ना वन एट्टी से ही लिखना पड़ेगा तो क्या करें हम सॉरी वन थर्टी फाइव है ना वन थर्टी फाइव तो इधर आएगा इधर आएगा वन थर्टी फाइव ठीक है तो हमें फंक्शन चेंज नहीं करना तो हमें वन एट्टी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी तो वन एटी में से अगर मैं फोर्टी फाइव माइनस कर दूँ तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वन थर्टी फाइव है ना तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि यहाँ पर दिस इज वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन एटी माइनस फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव होता है फाइव बाय फोर ठीक है हो गया तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं पहले तो यहाँ आ जाएगा टेन वर्स टैन दिस इज पाई माइनस पाई बाय फोर ओके okay. अब वी नो दैट टैन पाई माइनस थीटा एक तो नाइनटी एक तो वन एट्टी है फंक्शन चेंज नहीं होगा तो टैन थीटा ही रहेगा एंड सेकेंड क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिकंड पॉजिटिव रेस्टोलर नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा ठीक है तो हमारे पास ये आ जाएगा टैन इनवर्स माइनस टैन फाइव बाई फोर ये आ गया ठीक है ये आ गया नाउ वी नो दैट कि एज टैन जो होता है ना टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टैन थीठा होता है ये भी हमें पता है कि उसका जो माइनस होता है थीठा का वो बाहर आ जाता है ऐसा पता है ना हमें जैसे साइन के साथ होता है सेम साइन के साथ भी ऐसा होता है और टेन के साथ भी ऐसा होता है बट कॉस के साथ ऐसा नहीं होता कॉस का जो होता है वो नेगेटिव खत्म हो जाता है, है ना तो यहाँ पर देखो ये बाहर माइनस है तुम तो इसको अंदर ले जा सकती हो क्यों ले जा रही हूँ क्योंकि इसको ध्यान से देखना ये हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर है ना सो दैट टैन इनवर्स टैन खत्म हो जाए एंड वी नो दैट कि जो सिंस माइनस फोर्टी फाइव वो बिलोंग करता है माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में है ना बिलोंग करता है कि यस माइनस फोर्टी और नाइन्टी के बीच में आता है तो जिस वजह से हम इसको ख़त्म करके हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं माइनस पाई बाय फोर दिस इज द आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंट फॉर्म में है कैसे है इसको हम ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है तो वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं मैं आपके लिए सबसे ईजीएसट मेथड लेके आई हूँ जो मैंने खुद अपने टाइम पे यूज़ किया था ठीक है हमारे टीचर्स ने हमें कराया था जब मैं ट्वेल्थ में थी तो इसको कराने के बहुत सारे मेथड हैं वैसे तो देखा जाए बाहर टैन है है ना तो इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए टेन इनवर्स इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए टेन इनवर्स आना चाहिए राइट तो क्या करें अब हम हम साइन इनवर्स को हम टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उठा लेते हैं साइन इनवर्स ठीक है यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ अलग से वैसे आपने आगे से ही सॉल्व करना है मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ठीक है ठीके? तो हम क्या मानेंगे हम मानेंगे लेट साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव इसको हमने कन्वर्ट करना है टेन में तो उसको पहले मैं मान लूँगी ए ठीक है ए मान लेते हैं कोई एक एंगल है ए ठीक है ये इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा साइनवर्ड्स इधर आके क्या हो जाएगा साइन तो ये हो गया साइन ए नाउ वी नो दैट साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है अगर मैं इसको देख के एक ट्राएंगल बनाऊँ इफ इट इज ए तो दिस इज प्रपेंडिकुलर ये थ्री दिस इज हाइपोटेनियस दिस इज फाइव ठीक है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस अब मुझे इस ट्राइंगल की हेल्प से मुझे क्या चाहिए मुझे तो टैन चाहिए तो टैन क्या होता है टैन ए अगर मुझे निकालना हो तो टैन क्या होता है टैन होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस तो यानी कि बेस मुझे चाहिए है ना तो बेस कैसे निकलेगा बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो दिस इज हाइपोटेनियस फाइव का स्क्वायर परपेंडिकुलर थ्री का स्क्वायर ये हो जाएगा बेस स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ये हो जाएगा सिक्सटीन बेस स्क्वायर और बेस कितना आ जाएगा फोर ठीक है अब मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल नॉट बी नेगेटिव तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव मिलेंगे प्लस फोर लेंगे ठीक है ओके चलो आगे चलो अब परपेंडिकुलर आ चुका है आप परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी था ही आपके पास थ्री और बेस कितना आ चुका है फोर तो टेन ए आपके पास आ गया है थ्री बाय फोर और ए यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ टेन इनवर्स ये कितना हो गया थ्री बाई फोर और ए हमने क्या लेट करा था यस साइन इनवर्स लेट किया था तो ये हो गया साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव किसके इक्वल हो गया टेन इनवर्स थ्री बाय फोर के इक्वल हो गया तो मैंने साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया टेन इनवर्स में गुड चलो आगे चलो cot की बात करें तो cot तो डायरेक्ट ही क्या होता है रेसिप्रोकल होता है है ना टेन का तो मैं क्या लिख सकती हूँ तो कॉट इनवर्स थ्री बाय टू को मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकती हूँ टेन इनवर्स और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे ये क्या होता है बेस बाय पर पेंडिकुलर और टेन में क्या आएगा पर पेंडिकुलर बाय बेस दैट इज टू बाय थ्री हो जाएगा दिस इज वेरी सिंपल ठीक है ये तो उसका रेसिप्रोकल ही होता है बस अभी दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं चलो कर दो ये हो जाएगा टेन इसकी जगह पे हम लिख देंगे टेन इनवर्स थ्री बाय फोर यहाँ पे हम लिख देंगे टेन इनवर्स टू बाई थ्री कर दी पुट वैल्यूज ये ठीक है अब क्या आपको कैसी आइडेंटिटी लग रही है मैंने अभी अभी आपको जो आइडेंटिटीज बताई हैं वैसी लग रही है देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है ना और ये आइडेंटिटी हम कब लगा सकते हैं कि अगर एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन हो है ना तो चेक करो एक्स वाई एक्स वाई यानी कि थ्री बाय फोर इंटू टू बाय थ्री थ्री से थ्री कैंसिल टू ये हो गया वन बाय टू विच इज लेस देन वन तो अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन आ रहा है तो मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकती हूँ ठीक है तो यहाँ हम लिख देंगे कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई सिंस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन सॉरी एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन वन ठीक है तो हेयर हेयर एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू ये लेस देन वन है तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ लगाने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं दिस इज टैन ये हो जेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि थ्री बाई फोर प्लस टू बाई थ्री अपॉन वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू टू बाई थ्री ठीक है अब क्या करेंगे हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा ट्वेल्व थ्री नाइन फोर टू ज़ा एट डिवाइड में ये ट्वेल्व हो जाएगा नीचे भी एलसीएम ले लेंगे ट्वेल्व माइनस थ्री टू सिक्स, ठीक है ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल ये हो गया टेन टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा सेवेंटीन अपॉन ठीक है तो अब देखो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं क्यों हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये यह जो चीज़ है उसकी किस में आनी चाहिए रेंज में आनी चाहिए या डोमेन में आनी चाहिए ठीक है अगर एंगल है तो रेंज में आना चाहिए तो अगर मैं आपको तो इसकी रेंज दिखाती हूँ तो रेंज तो हमारी क्या है ये है ठीक है तो ये एंगल तो नहीं है लेकिन इनपुट तो है हमारी इनपुट रियल नंबर में बिलोंग कर रही है दिस इज अ रियल नंबर तो हम यहाँ लिखेंगे सेवेंटीन बाय सिक्स ये है रियल नंबर है तो हम इसको खत्म करके 17 बाय सिक्स हमारा आंसर आ गया ठीक है तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़े से डिफरेंट अप्रोच से किया है और थोड़ा इजी है राइट right? चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टींथ सो क्वेश्चन नंबर थर्टीनथ अगेन हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं डायरेक्ट हम कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल करके ये हम अपना आंसर नहीं ला सकते हैं हमें इसको सॉल्व करना है पहले हम देखेंगे कि क्या सेवन पाई बाय सिक्स जो है वो इससे बिलोंग करता है ठीक है तो देखो इसकी रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की कॉस इनवर्स की रेंज होती है जीरो टू पाई ठीक है लेकिन ये क्या है ये पाई से बड़ा है दैट मीन्स इसकी रेंज में नहीं आ रहा ठीक है ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो सेवन पाई बास अगर इसको सॉल्व करोगे तो वो बनता है टू हंड्रेड टेन है ना वन एट्टी से बड़ा है और वन एट्टी से कितना बड़ा है थर्टी डिग्री बड़ा है है ना थर्टी डिग्री बड़ा है तो हम उसको उसमें नहीं लिख सकते राइट तो हम क्या करेंगे हम इसको लेकर आएंगे इसकी रेंज में ठीक है तो कैसे लेकर आएंगे इसकी रेंज में तो देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ जैसे टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड टेन यहाँ आ रहा है तो अगर मैं वन एटी में प्लस करती हूँ थर्टी तो बन जाएगा है ना तो चलो इतना सा हमें जब आइडिया मिल जाता है तो उसी को ही हम स्टार्ट कर देते हैं करना सॉल्व करेंगे तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस हाँ अब देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी सेवन पाई बाय सिक्स को लिख सकती हूं मैं पाई प्लस पाई बाय सिक्स है ना वन एट्टी दिस इज टू हंड्रेड टेन डिग्री विच इज इक्वल टू वन एट्टी प्लस थर्टी डिग्री है ना तो पाई बाय सिक्स हो गया तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी सेवन पाई बाय सिक्स को लिखूंगी पाई प्लस पाई बाय सिक्स ओके तो अब देखो क्या बनेगा वी नो दैट कि जो कॉस वन एट्टी प्लस थीटा है तो एक तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा एंड प्लस थीटा तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पाई है ना प्लस थर्ड कौर्ण, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव तो लगेगा यहाँ पे ठीक है तो क्या है? आंसर आएगा इसका इसका आंसर आएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय सिक्स तो हेयर थीटा इज पाई बाय सिक्स ठीक है अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना आँ... स है ठीक है तो हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि कॉस इनवर से कॉस कैंसिल कर दिया माइनस फाइव बाई सिक्स आंसर आ गया नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप माइनस थर्टी भी लेकर आते हो तो स्टिल इट इज नॉट इन द रेंज है ना इसकी रेंज तो जीरो से पाई है स्टिल इट इज नॉट इन द रेंज इसको हमें फिर से रेंज में लाना पड़ेगा माइनस फाइव बाई सिक्स आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हो ना तो अब इसके आंसर को फिर से हम क्या करेंगे फिर से हम रेंज में लाने की कोशिश करेंगे अब देखो कैसे रेंज में लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या है माइनस थर्टी है, है ना माइनस में है अब अगर मैं इसको वन uh, एटी में से मैं माइनस कर दूँ क्योंकि देखो हमारे पास ऑप्शन तो वन एट्टी का ही बचता है ना या तो हम प्लस करें या उसमें से माइनस करें क्यों वन एट्टी का बचता है क्योंकि वन एटी में ही हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता और हम चाहते हैं हमारा फंक्शन चेंज ना हो क्योंकि एट द एंड वी वॉन्ट कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाए है ना तो हमारे पास ऑप्शन किसका बचता है वन एट्टी का ही बचता है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे कॉस वन एटी माइनस थीटा करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मुझे फिर से माइनस कॉस थीटा मिलेगा ठीक है तो देखो अगर ये है कॉस ये है पाई माइनस इस पाई बाय सिक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाय सिक्स ये आ गया इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं देखो घुमा के देखो हमने उल्टा लिखा है हमारे पास माइनस कॉस थीटा आया अगर हम यहाँ पे जाते माइनस कॉस थीटा ये लगाते तो हमारे पास घूम के फिर से यही आ जाता उसका तो फिर फायदा नहीं था फिर से हम यहाँ पे पहुँच जाते उसका क्या फायदा है ना हमने दूसरा ऑप्शन लिया अगेन वन एटी वाला ही लिया ताकि फंक्शन चेंज ना हो माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कॉस वन एटी माइनस थीटा है ना तो अब लिखते हैं इसको ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस वन एटी माइनस थीटा लिख दिया तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स है ना सिक्स एल्सियम सिक्स पाई माइनस पाई सो दिस इज कॉस फाइव पाई बाय सिक्स ठीक है एंड फाइव पाई बाय सिक्स जो है वो आपका बिलोंग करता है जीरो से लेकर पाई के बीच में है ना लेस देन पाई है वन वन फिफ्टी होता है पाई बाय जो होता है 150 है एंड वन फिफ्टी जीरो से वन एट्टी के बीच में लाइक करता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस पाई बाय बिलोंग करता है जीरो से पाई के बीच में तो ये खत्म हो सकता है और हम आंसर दे सकते हैं फाइव पाई बाय सिक्स दिस इज योर आंसर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्टींथ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिंपल सा है बहुत इजी सा दिख रहा है और इजी भी है देखो कैसे यहाँ पे क्या है साइन पाई बाय थ्री माइनस अब देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो यानी कि मुझे इसको साइन की वैल्यू लिखनी है ठीक है तो ये जगह साइन इनवर्स एंड माइनस वन बाय टू देखो साइन थर्टी हमें पता है साइन थर्टी होता है वन बाई टू एंड माइनस के लिए यहाँ पे भी माइनस लग जाता है ना तो कोई बात नहीं लिख देते हैं माइनस साइन फाइव बाय सिक्स दैट इज थर्टी ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या बात है वी नो दैट माइनस फाइव जो है वो बिलोंग करता है किससे माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू के बीच में आता माइनस थर्टी बीच में आता है ना माइनस नाइनटी और उसके तो ये कैंसिल हो सकते हैं खत्म हो सकते हैं और क्या बचेगा आपके पास साइन पाई बाय थ्री माइनस साइन साइन से साइन खत्म हो गया क्या बचा आपके पास सिर्फ माइनस पाई बाई सिक्स ठीक है अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा सिक्स टू प्लस टू पाई प्लस पाई दिस इज थ्री पाई बाय सिक्स ठीक है कैंसिल टू तो दिस इज साइन Sin हुआ? Is जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है इसकी वैल्यू वन होती है राइट right? तो इस तरीके से हम रेंज देखते हैं तभी ही हम कैंसिल कर पाते हैं ये था क्वेश्चन फोर्टीन चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन फिफ्टीनथ देखो क्या कह रहा है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री तो यानी कि इनवर्स है तो so, यानी कि टेन के अंदर रूट थ्री की वैल्यू लिखूंगी तभी टेन से टेन खत्म होगा तभी रूट थ्री आ पाएगा सिमिलरली कॉट इनवर्स है यहाँ पे भी मुझे कॉट के अंदर रूट थ्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो मेरे को देखते ही आइडिया लग गया ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसको करना सबसे पहले तो दिस इज़ टेन इनवर्स रूट थ्री के अंदर टेन की कौन सी वैल्यू होती है

और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू को हम ऐसे बाहर भी नहीं ला सकते अगर मान लो यहाँ पर टैन होता ना तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली माइनस टैन पाई बाई थ्री लिख सकती थी क्योंकि हमें पता है साइन में टैन में जो नेगेटिव होता है वो साइन बाहर आ जाता है बट कॉर्ट में ऐसा नहीं होता कॉस में ऐसा नहीं होता है ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें इसके फॉर्मुलेज लगाने पड़ते हैं तो वी नो दैट कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है ठीक है ये कॉट के लिए भी होता है कॉस के लिए भी होता है ये सब चीज़ें हमें पता है राइट तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री तो ये यह हमने यहाँ पे लगा दिया ओके अगर इसको आपने जैसे पहले क्वेश्चन से किया है वैसे भी आप देख सकते हो ठीक है कि ये पाई बाय जो आएगा आपके पास माइनस पाई बाय थ्री आएगा विच डजेंट लाए इन जीरो टू पाई ठीक है तो उसके लिए भी हमें इसको रेंज में लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा या आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा सिंस पाई बाय थ्री बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टेन इनवर्स तो ये हो जाएगा डायरेक्ट पाई बाय थ्री ठीक है ये तो सॉर्टेड हो गया इसको देखो अब माइनस कॉटनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स अब कॉट के अंदर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है थर्टी uh, की दैट इज कॉट पाई बाय सिक्स की है ना ना थर्टी uh, जो है वो लाई करता है जीरो से पाई के बीच में है ना तो पाई बाय सिक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा आपस में और क्या बचेगा आपके पास ये बच जाएगा पाई बाय सिक्स तो बाहर माइनस यहाँ पाई बाय सिक्स आ गया ठीक है ओके सॉरी यहाँ पे कॉट इनवर्स पूरे पे ये लगाना था तो, तो ये बाहर कॉट नहीं आएगा ना इस पूरे पे ये लगाना था दिस इज नॉट कॉट तो कॉट इनवर्स एक् माइनस एक्स की जगह पे हमने पाई माइनस ये लिखा है ठीक है ओके सॉर्टेड तो दिस इज कैल्सियम ले लो फाइव पाई बाय सिक्स आ जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व कर देंगे हम दिस इज सिक्स दिस इज टू पाई माइनस फाइव पाई दिस इज थ्री पाई बाई सिक्स कैंसल हो गया माइनस फाइव बाई टू तो माइनस फाइव बाई टू किसका है ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन है ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स यू